हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको एक प्रिंटर के बारे में बता रहे हैं। ये मॉडल है HP ऑफिस जेड 7500A। ये वही A3 वाला प्रिंटर होता है। इसमें मोस्टली अमूमन क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें अमूमन प्रॉब्लम ये जो आप एरर देख रहे हो, कार्टेज का ही एरर आता है। ये कार्टेज डिटेक्ट नहीं कर रहा है। हमने इसमें दूसरी कार्टेज भी लगा के देखा, आपको मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास दूसरी कार्टेज भी है इसकी, वो भी ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ये कुछ कार्टेज होती हैं इसमें, इसमें 920XL कार्टेज होती हैं, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कार्टेज, इसके कार्टेजेस होते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें, कि प्रॉब्लम आ रहा है, हम दूसरी कार्टेज भी लगा रहे हैं फिर भी ये सेम एरर आ रहा है, फ्लोइंग कार्टेज आर मिसिंग और नॉट डिटेक्ट। तो हमने आपको इसमें ये दिखाते हैं, ये प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम होती है इसमें। इसका ये आपका हेड होता है और हेड पे इसका कैरेज होता है, जो कार्टेज को डिटेक्ट करता है। ये यहाँ पे इसका कैरेज होता है जिससे कार्टेज सेंस करती है। हम देखते हैं कि ये देखो, यहाँ पे इस पे देखेंगे तो ये नहीं है, इसमें डिटेक्शन नहीं आ रही है। तो इसका ये होल्डर होता है पूरा, कैरेज होल्डर जो ये चेंज होता है, ये हेड के साथ ही आता है, अलग से नहीं मिलता है। तो आप इसमें देखोगे कि ये चेंज कैसे होगा या कैसे होता है, ये सब आपको हम बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ना ये साफ़ करके देखते हैं, इसके पिन, हमें सबसे पहले इसके पिन साफ़ करके देखने चाहिए। इस पिन को हम एल्कोहल से या IP से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। मैं इसको IP से साफ कर रहा हूँ। और हम इनके कार्टेज के भी पिन साफ कर ले सकते हो। ये आप देखोगे हमारा प्रिंटर रेडी हो गया है। इस प्रकार इस मॉडल में बहुत से प्रॉब्लम में क्या होता है, ये कार्टेज सेंस नहीं करता है। कैमरा मेरे तरफ, ये कार्टेज सेंस नहीं करता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ये क्या होता है, इसके हेड पे जहाँ मैंने आपको दिखाया सेंसर होता है, वहाँ पे कुछ मॉइस्चर टाइप वगैरह आ जाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अभी आपने हमारे वीडियोज़ में देखा किस तरीके से हमने इसको प्रिंटर को रिपेयर कर दिया है। कुछ बंदे आते हैं बोलेंगे कि सर ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। सूरज कंप्यूटर्स को आप देखोगे बहुत जेन्युइन, बहुत ही जेन्युइन तरीके से काम करता है, जो होता है वही बताता है। ये नॉर्मल सर्विस का काम था तो ये नॉर्मल सर्विस में ही होगा। इस प्रकार आप फ्रॉड से भी बचें, हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको भी फायदा हो और दूसरों को भी फायदा हो। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि आपने अभी वीडियो के माध्यम से देखा कि हमने बहुत ही इजी स्टेप से इसको रिपेयर कर दिया है। क्या था इसका, इसके पॉइंट पे आपको देखोगे कि वहाँ पे देख, आप तो क्या नहीं देख सकते कि इसके पॉइंट्स पे थोड़ा ना मॉइस्चर टाइप हो जाता है, जिस वजह से ये कार्टेज डिटेक्शन छोड़ देता है। जैसा कि हमने इसमें दूसरी भी कार्टेज लगा के देख ली, फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। और मैंने अभी साफ करके एल्कोहल से या IP से आप इसको साफ करके लगाओ तो आपकी कार्टेज प्रिंटर रेडी हो गया है। तो सूरज का आप फ्रॉडों से बचें, कि कुछ बंदे आते हैं आपको बताएंगे, चेक करेंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो आप इन चीज़ों से बचें और आप सूरज कंप्यूटर्स पे ही अपना फोकस करें। सूरज कंप्यूटर्स को आप कॉन्टैक्ट करें। सूरज कंप्यूटर्स पूरे ही NCR में बहुत जेन्युइन एक पैलेस है, जहाँ पे आपका रिपेयरिंग का काम होता है। थैंक यू।